Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट. जैसे जैसे वक्त गुजरता है सब कुछ बदल जाता है. थोड़ा सा आगे निकल जाओ तो कुछ पीछे छूट जाता है. लेकिन एक कड़ी है जो हमें जोड़े रखती है, जो हमें याद दिलाती है that we are all connected to the same land. और वो है हमारे त्योहार और उनसे जुड़ा खाना. और यही है त्योहार की थाली. दीदी उठो, चाय रेडी है तुम्हारी. दीदी दीदी आई है. कल रात ही आई चंडीगढ़ से. रात भर हमने इतनी बातें की है ना, इतनी बातें की हैं कि सुबह उठा ही नहीं जा रहा था. वैसे तो मुझसे पहले उठ जाती है वो सुबह 6 बजे, लेकिन आज शायद ज्यादा ही थकी हुई है. इतना ट्रैवल करके आई है, उसे सोने ही देती हूँ. सच बताऊँ तो उठने का मन तो मेरा भी नहीं कर रहा था. फिर मुझे याद आया कि आज तो फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, तो उठ ही गई. खैर कोई बात नहीं, दीदी आई है तो सोच रही हूँ आज ना रक्षाबंधन मनाते हैं. हाँ मुझे पता है, रक्षाबंधन के लिए एक अदद भाई की भी ज़रूरत है. अब भैया तो इतने शॉर्ट नोटिस पे नहीं आ सकता. तो क्या हुआ, दीदी और मैं तो हैं, हम दोनों मिलके रक्षाबंधन मनाते हैं. यस, एक्चुअली काम करती हूँ, दीदी के उठने से पहले ना एक डिश तैयार कर लेती हूँ, बड़ा मजा आएगा, उसे सरप्राइज करती हूँ. यस दीदी उठो. दीदी के लिए भी ना ये गुलाब की पत्ती वाली चाय बना देती. बचपन में ना जब भी राखी का त्योहार आता था तो भैया और मेरे बीच में थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता था दो बातों पे. एक तो ये कि भैया को हमेशा पसंद आते थे वो सिंपल धागे राखी के, और वो चाहता था कि कलावे का बस एक पतला सा धागा बांध दो कलाई पे, और मुझे अच्छी लगती थी वो बड़ी वाली राखियाँ, वो पिंक कलर के फोम वाली जिसपे प्लास्टिक से ऊपर लिखा होता था मेरे भैया या रक्षाबंधन, या एक ऐसी सिल्वर या गोल्ड की नीचे किनारी भी होती थी. वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मेरा मन करता था कि ये बांध दो भैया को. तो जब मैं थाली लेके जाती थी भैया और मेरी एक लुक एक्सचेंज होती थी ऐसे वाली, पर वो बहुत स्वीट है, चुपचाप बनवा लेता था. और दूसरी जो हमारी झगड़े वाली बात थी ना, वो थी मिठाई के ऊपर. भैया को पसंद काजू कतली और मुझे गुलाब जामुन. तो मैं ना कोई तिकड़म लगा के हमेशा राखी के लिए गुलाब जामुन लेकर आ जाती थी. फिर हमारी लुक एक्सचेंज होती थी, पर भैया फिर खा लेता था. तो एक दिन क्या हुआ, मम्मी ने सुबह सुबह अनाउंस कर दिया कि आज गुलाब जामुन नहीं आएंगे. मेरा तो दिल ही बैठ गया. मैंने कहा हाय राम, गुलाब जामुन नहीं आएंगे तो मिठाई क्या होगी, मैं तो कुछ और लेकर भी नहीं आई थी. एंड देन मम्मा सेड आज गुलाब जामुन मैं घर में बना रही हूँ. उन्होंने कहीं से रेसिपी ली थी और तब से लेकर अब तक राखी पे हमारे यहाँ गुलाब जामुन हमेशा बनते हैं. काजू कतली भैया के लिए आती है लेकिन बाहर से. तो मैंने सोचा है कि मैं भी आज गुलाब जामुन ही बना लेती हूँ. उसके लिए मुझे चाहिए मैदा. यार ये दीदी की चाय ना ऐसे ही ठंडी हो जाएगी. खैर मैदा और खोया. तो
ये करीब 250 ग्राम तो खोया है, इसको मैं अच्छे से टुकड़े टुकड़े कर लेती हूँ यहाँ पे। इसमें मुझे डालना है मैदा। और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, एक चुटकी। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत अच्छे से इसे मिक्स करना है, इसे काफी फाइन करना है मुझे। गुलाब जामुन के बारे में ना एक बात मुझे अभी रिसेंटली पता चली है, और वो ये कि बिल्कुल ऐसी ही एक मिठाई टर्की में भी बनती है और उसका नाम है लोकमा। फ़र्क बस ये है कि उसमें जो सिरप तैयार होता है ना, जो चाशनी होती है, वो दालचीनी और शहद की होती है। खैर ये तो हम पर है कि हम अपनी चाशनी में क्या फ्लेवर डालें। आटा तैयार हो चुका है, इसको मैं ढक के रख देती हूँ। और अब मैं बना लेती हूँ चाशनी। चाशनी के लिए 1.5 कटोरी शक्कर और 1.5 कटोरी पानी। इसको मैं धीमी आंच पे ही पकने देती हूँ। तेल चढ़ा देते हैं भाई, तेल डाल देते हैं। इसको धीमी आंच पे गरम होने देती हूँ, तब तक मैं ये नींबू का जो मैंने छोटा सा टुकड़ा चाशनी में डाला ना, इससे चाशनी क्लियर हो जाएगी। तो रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका तो मुझे पक्का पक्का नहीं पता, लेकिन इसका क्लियर मेंशन रक्षाबंधन का मिलता है महाभारत में, जब शिशुपाल को मारते समय श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी अपने ही सुदर्शन चक्र से, और द्रौपदी ने ना अपनी साड़ी का एक कोना फाड़ के उनकी उंगली पे बांध दिया था। श्री कृष्ण उनके इस जेस्चर से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने द्रौपदी को वचन दिया कि इस कपड़े के रेशे रेशे का ऋण मैं चुकाऊंगा, और उन्होंने ऐसा किया भी। चाशनी भी ऑलमोस्ट हो गई है, ये नींबू मैं अब निकाल लेती हूँ और इसमें अब डाल देते हैं केसर, इलायची पाउडर और वही मेरे फेवरेट रोज पेटल्स। अब ये जो गुलाब जामुन है ना, इन्हें बड़े प्यार से मैं इस तेल में तैराऊंगी। इसको धीमी आंच पे ही पकाना है क्योंकि ये अंदर तक ना पूरा सिकना चाहिए। ₹1905 में ना जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल को धर्म के नाम पे विभाजित करना चाहा, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बड़ा अच्छा तरीका निकाला। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को साथ लाकर रक्षाबंधन का एक बहुत बड़ा इवेंट आयोजित किया, जहाँ पे दोनों धर्म के लोग आए और उन्होंने एक दूसरे को राखी बांधकर हमेशा एक साथ रहने का प्रण लिया। ओके, ये दो तो बहुत अच्छे से हो गए हैं, इनको मैं डाल देती हूँ चाशनी में। इसको ना अच्छे से चारों तरफ से चाशनी में डूबना चाहिए। अरे इस वक्त कौन आ गया, किसी को बुलाया भी नहीं था।
दीदी तू बाहर कब गई? मुझे लगा तू दूसरे कमरे में सो रही है। मैं कब इतनी देर तक सोती हूँ भाई? देखो कौन बोल रहा है। तूने बोला था ना राखी मनानी है। हाँ। तो मैंने सोचा जब तक तू तैयार होती है, किचन में प्रिपरेशन करती है, मैं बाजार चली जाती हूँ, राखी भी ले आती हूँ और कुछ फ्रूट मिले तो मैं फ्रूट भी ले आई। ये किए ना तूने बड़ी बहन वाली बात। और क्या? अरे वाह यार, यू आर सो नाइस। क्या बनाया है तूने? मैंने खास तेरे लिए गुलाब जामुन बनाया। मेरे लिए? हाँ। अरे वाह, अच्छा चल दिखा तो सही। हाँ जरा खा के भी बता कैसे हैं। वैसे मैंने पूरा ट्राई किया है मम्मा जैसे बनाऊं, लेकिन अब तू खा के बता कि कैसे हैं। भाई देख, बात ये है, दे आर लुकिंग नाइस, बट मम्मा को हम बीट नहीं कर सकते यार किसी भी तरीके से। ये बात तो है। एक मिनट सॉरी, वो मम्मा के लिए फोटो ले लूं मैं। हाँ पता है तू फोटो भेजती है ना। हाँ तो एक बार मैं थी जब तूने फोटो भेजी। हाँ। बहुत मजे से देखती हैं उसको, एज इफ वो पता खा रही हैं, इतना मजा आता है। हाँ। उनको, और बहुत शो ऑफ करती हैं। ये ठीक है, बना लेती है, पर सिखाया तो मैंने ही है। दैट इज सो मम्मा, सो मच लाइक मॉम। मैं भेजती हूँ उनको, लेकिन पहले ना तू जरा खा के बता। एक मिनट। हट। हाँ लुकिंग नाइस। How's it? It's so tasty. It's really so tasty. पर ना थोड़ा सा मुझे लग रहा है सॉफ्ट हो गया। हाँ वो थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, बट टेस्ट अच्छा है ना। वेरी नाइस। Let me also taste. It's really yum. हाँ यार ये तो बन गया मम्मा जैसे। बिल्कुल exactly. देखो चाशनी के साथ एक और दूं? पहले सब बना लेते हैं, फिर जब बैठ के खाएंगे तो एक और बैठ। बना लेते नहीं है? बन गए हैं। और नहीं, अब आप बनाएंगी। ओके। हाँ। मुझसे भी बनवाएंगी आप? और क्या ना। अरे दीदी कम ऑन यार, मतलब मिल बांट के सेलिब्रेट कर रहे हैं तो काम भी मिल बांट के करना चाहिए। बिल्कुल 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 ठीक है। डायरी में देख मम्मा की क्या बनाएंगे। चलो एक रेसिपी खुली है और वो है पनीर पोटली। यस, और हम बनाएंगे अब पनीर पोटली। करेक्ट। चलो दीदी, ये सुरेखा ने ना आटा लगा के रखा था, उसने कहा था कि दीदी आ रही है तो मैं मठरी बना लूंगी, तो इसी को बना ले। हाँ, इसी को यूज कर लेंगे। अब इसकी स्टफिंग का और देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें हमको चाहिए शिमला मिर्च, लाल लाल, पीली, हरी, एक एक। हाँ। और हरा प्याज, लहसुन। हाँ हाँ, बस 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 बस, ये देख ये लाल, ऑरेंज और येलो शिमला मिर्च, पहले तू ये काट ले। दीदी पनीर भी तो चाहिए ना। हाँ पनीर तो मेन है भाई। हाँ। पनीर की पोटली बना रहे हैं ना। अच्छा तू ये कर, तब तक मैं वो फ्रूट्स और राखी लेकर आती हूँ। हाँ, जरा ठीक है जब तक मैं इसको कट कर देती हूँ। और ये केले लाने के लिए थैंक यू, मेरे किचन में ये मिसिंग थे। देखो याद है जब हम बचपन में राखी मनाते थे तो हमारा फेवरेट फूड क्या होता था? हाँ ऑफ कोर्स, हमारे यहाँ पे ना राखी का एक फिक्स्ड मेन्यू। हाँ, होता था। बिल्कुल। अरहर की दाल, चावल और आलू के ना पतले पतले स्क्वायर चिप्स काट के उसको डीप फ्राई करते थे। और देखो याद है उसके पीछे झगड़ा भी होता था बिल्कुल, कि किसे कितने आलू के वो चिप्स मिले। आई रिमेम्बर एक बार तेरा और भैया का इस बात पे बहुत झगड़ा हो गया था। और तुम सुबह तक, मतलब राखी वाले दिन तक ये भी नहीं पता था कि ये उसे राखी बांधेगी या वो बनवाएगा कि नहीं। और मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा था कि हे भगवान खाना कब खाने को मिलेगा, क्योंकि जब तक ये राखी नहीं बांध लेंगे आपस में खाना नहीं मिलेगा। जस्ट प्रेइंग कि भगवान उनकी सुलह हो जाए तो खाना मिल जाए। स्वेयर हो गया था वो। राजीव इज सच अ नाइस एंड केयरिंग ब्रदर वी हैव। एक काम करेंगे अभी ना, उसको फोन कर लेंगे थोड़ी देर में खाना बना के। यस, अरे गुड, यू कैन। आई थॉट तेरी जल्दी से हो जाएगा। अरे थैंक यू सो मच। मैं अच्छा नहीं कर पा रही जितना तू कर रही है। अरे मैं तो तेरे से इंस्पायर होके मैंने करना शुरू किया है। व्हाट एवर यू मेक मैं सब ट्राई करती हूँ पता। एक काम और कर। हाँ। ये जो ग्रीन्स हैं इनको चॉप करती जा साथ में, और ज्ञान भी देती रहे साथ में। चल ठीक है, इतना तो कर सकती हूँ मैं। तो यहाँ महाराष्ट्र में ना दीदी
फिशिंग कम्युनिटी है ना, वो राखी के दिन नारली पूर्णिमा भी मनाते हैं। नारली? हाँ, नारली मतलब वो अपना नारियल। ओके। हाँ, तो इस दिन ना समुद्र को नारियल ऑफर किया जाता है, नारियल चढ़ाया जाता है, और वो सोने का नारियल भी हो सकता है। ओके। हाँ, और उसके बाद ना शिव जी की पूजा की जाती है। इनफैक्ट पूर्णिमा के दिन जब हाई टाइड होता है ना, वो अंदर जाके ना समुद्र के बिल्कुल गहराई में जाके फिर ये नारियल समुद्र को ऑफर करते हैं। और मछुआरे ये मानते हैं कि हमें जो खाना है, हमारी जो रोटी है, वो समुद्र से ही मिलती है। तो इट्स बेसिकली लाइक अ थैंक्स गिविंग। और एक रिक्वेस्ट भी होती है कि जब हम समुद्र में हों तो हमेशा समुद्र हमारी रक्षा करे। तो यही एक शायद रक्षा करने वाला ही थॉट एक exactly, वो होगा उसमें भी ना। सो बेसिकली इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ सेलिब्रेटिंग रक्षाबंधन। एग्जैक्टली। चलो जी, ये भी हो गया। मैं इसको भी आपकी प्लेट में जगह दे दूं थोड़ी। बहुत ही अच्छा काटा है सच में। I remember कि भैया बहुत प्रोटेक्टिव होता था हम दोनों के लिए। एक्चुअली बहुत स्वीट भी था, क्योंकि हमेशा ख्याल रखता था कि कोई हमारी बहनों को कुछ कह तो नहीं रहा ना। हाँ। तो भैया ना बस में एक सीट मेरे लिए हमेशा प्रोटेक्ट करके रखता था कि ये मेरी बहन की सीट है और वो आके बैठेगी, और भगवान ना करे अगर उस सीट पे कोई और बैठ जाता था तो इतना झगड़ा करता था, इतना झगड़ा करता था। एक बार तो उनका इतना झगड़ा हुआ था कि हाथापाई हो गई थी और मैं रोने लगी थी। तो भैया ने ना लड़ाई वड़ाई छोड़ के मुझे डांटना शुरू कर दिया था, यार तेरी सीट के लिए मैं लड़ रहा हूँ और तू रो रही है। बट इज़ वेरी स्वीट, बिकॉज बहुत बहुत उसने मेरा ख्याल रखा है बचपन में। उसने मुझे चलना सिखाया, उंगली पकड़ के, उंगली पकड़ के ना वो अपने पैरों पे मुझे खड़ा कर लेता था, एंड देन ही यूज्ड टू मेक मी वॉक। सो Missing him. चल अभी है ना, फोन करते हैं उसको। कितना कलरफुल लग रहा है ना, देख के सो नाइस। इसको तू चला दे अच्छे से। मैं इसमें हल्दी और लाल मिर्च डाल दे। लवली यार दीदी, आई थिंक हम बहुत टाइम के बाद साथ में खाना बना रहे हैं ना, वरना हमारे घर में ना काम अलग अलग होते थे। मतलब दीदी अक्सर सारे बाहर के काम कर लेती थी, सब्जी लाना, घर के भी ज्यादा काम वो ही करती थी, लेकिन आटा हमेशा मैं गूंथती थी। वो काम अच्छा था। और और रोटी फिर दीदी बनाती थी। हाँ, पर तुम भी रोटी बहुत अच्छा बनाती हो। Say it again. रोटी बहुत अच्छी बनाती है, चांद की तरह गोल। चलो अब इसमें पनीर डालने का टाइम हो गया। नहीं, पक जाएगा वो पनीर के साथ में भी ना, थोड़ा सा पनीर भी कुक होना चाहिए। दीदी मैं राखी की थाली तैयार कर लेती हूं। हाँ, तब तक तू तैयार कर और मैं ये पूड़ी बनाना शुरू करती हूँ। सुंदर रखे है ना? बहुत सुंदर है। माय पोटली इज रेडी। ये बुक हम बंद कर सकते हैं, यहाँ ये रखते हैं। इस बुक को मैंने कितनी बार मम्मी को बोला मुझे दे दो, पर उन्होंने मुझे कभी दी नहीं। तूने कैसे? अरे मैं उठा के ले आई, मुझे भी नहीं दे रही थी। तो इसमें जो रेसिपीज हैं वो कितनी मेहनत से मम्मी ने इकट्ठी की है ना। पर दीदी जितनी ये मेरी है वो कितनी तेरी है। हाँ ऐसे ही करना ना। हाँ हाँ बिल्कुल, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है बस, ताकि वो आराम से आई थिंक इसका मॉइस्चर निकलना चाहिए ना। हाँ, ताकि इससे बांध सके। यस। ठीक है नाइस। और ये इसके साथ ही फ्राई हो जाएंगे? हाँ इसके साथ ही फ्राई हो जाएंगे, और फ्राई होने के बाद ना इनका कलर चेंज होता है। Okay. और भी बहुत सुंदर लगते हैं ये। एक सिंगल बो बना के फिर हम इसको काट देंगे। ओके। ठीक है। ये हो गया। चल अब वॉच दिस, मैं ये जरा कोशिश करती हूँ। बेसिकली वो perfect. साड़ी के प्लीट्स के जैसा। हाँ। ये इसको फोल्ड करके ना ओपन कर देना ऊपर से। एग्जैक्टली। ओके। बढ़िया। चल लेट्स टाई दीज नाउ। ठीक है। अच्छा एक बात बता, वैसे तो तू मुझे बोलती है दीदी।
और फिर कहती है तू, ये क्या बात है? That's because तू बड़ी बहन है मेरी, तो दीदी, पर तू मेरी दोस्त भी है ना, तो फिर वो मेरे को बैलेंस करना पड़ता है ना, दीदी तू मेरी दोस्त भी है ना। अच्छा मैं इसको काट दूं यहाँ से? हाँ काट दो, थोड़ी नीट हो जाएगा। अरे यार this is so cool, yes nice। इसको थोड़ा सा सिकने देते हैं आराम से। डन ना दीदी? हाँ कलर इतना अच्छा आ गया, नाउ आई थिंक निकाल लेते हैं इसको। ओके क्या बात है यार, आई एम सो एक्साइटेड। ये आखिरी पोटली, इमली की चटनी हो गई। एंड हाउ डू यू वांट टू प्लेस दिस? सो नाइस यार। चलो यार मम्मा के लिए फोटो ले लें दीदी। हाँ मम्मा के लिए फोटो ले लो, मैं ये रखती हूँ, तुम उसको कॉल करो भैया को। हाँ ओके ठीक है। हाय 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 Hi. Hi. अरे, double surprise. Yes, double surprise. हम लोग रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं। Okay. और हमने ना तेरे लिए बहुत सारी चीजें बनाई हैं, दीदी जस्ट शो हिम ना। कुछ मेरे पसंद का भी बनाया है कि नहीं? हाँ ये इसने अपनी पसंद का बनाया है, पर बनाया तेरे नाम से है पता? इसने बता क्या बना? गुलाब जामुन बना दिए फिर से। हाँ उसके बगैर इसका कोई त्योहार मनता ही नहीं है। बट भैया वेट वेट, ये तो अप्रिशिएट कर कि कमाल का गुलाब जामुन बना है। दीदी पहले भैया को खिला। ये तेरे लिए। पहले तूने मेरे को बनाया, अब तूने गुलाब जामुन बनाया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एंड एक और चीज बनाई, गुलाब जामुन मैंने बनाया तेरे लिए, और ये पोटली पनीर पोटली दीदी ने बनाई है तेरे लिए। और ये है सरप्राइज देखो। हाँ अच्छा, और हम तेरे को बताते ये है कैसा खाने में, ये देख। ओ गॉड बहुत टेस्टी है। ये दोनों ही बहुत अच्छे बने होंगे, कमाल के बने होंगे, बहुत लजीज बने होंगे, पर जब तक मैं खुद नहीं खाऊं तब तक नहीं बता सकती। अच्छा नहीं बट दिस इज रियली नाइस भैया, और बहुत टेस्टी है। और देख हमने ना तेरे लिए, हमने मतलब दीदी लेकर आई है वैसे, बट दी आइडिया इज कि हम ये राखी भी लेकर आए हैं, और हमने प्रॉपरली पूरा फेस्टिवल, ये देख पूरी थाली तेरे लिए रक्षाबंधन के त्योहार के लिए सजाई है, और बस हम तेरे को बहुत मिस कर रहे हैं। अच्छा जस्ट होल्ड एक मिनट रुक जा, ये वैसे केसर का तिलक है, तू दूर है लेकिन मैं अपने फोन पे लगा देती हूँ। मैं भी लगा देती हूँ। हैप्पी रक्षाबंधन। हाँ ये ले ये ले, ठीक है। हाँ चल तू एक बात सुन मेरी, मैंने डिसाइड किया है कि इस रक्षाबंधन पे ना मैं तेरी फेवरेट मिठाई बनाऊंगी, काजू कतली। ये कह रही है, ये कह रही है, पर बनाएगी फिर भी ये, क्योंकि इसने बनाई यही है। मेरे को बना, मेरे सामने बनानी होगी और मेरे को बना करके फिर खिलानी होगी। प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। मिस यू, हैप्पी रक्षाबंधन। मिस यू मिस यू मिस यू। लव यू लव यू। बाय। लव यू। गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस। बाय।